यार राजा बाबू बन चुके हैं, अब जा रहे छत से दो फूल लेने क्योंकि जिम की पूजा करनी है। बचपन से एक ड्रीम था कि यार क्या अपना होम जिम होगा कभी, और जब होम जिम होगा तो मुझे वैसा नहीं था कि छोटा मोटा सा कुछ बना ले, मुझे था कि अगर बनेगा तो हार्ड कोर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो हार्ड कोर बन चुका है, आज पूजा होगी, उद्घाटन होगा और भगवान से भी मानेंगे वापस पुरानी शेप में आ रहे भगवान। सो आई एम जस्ट गोना प्लक ये जो ऑलरेडी थोड़े से वैसे फूल है गिरने वाले हैं। आजा भाई गाड़ी को भी लग गया था। रशियो चलो माथा टेको। अरे बस ये देखो। जी मैडम बोलिए, जिम टूर चाहिए। आए 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 आए, क्या बात है। सो गाइस वेलकम, दिस इज द बीस्ट जिम। फाइनली एक जो ड्रीम था मेरा कि खुद का जिम हो, क्योंकि बचपन में देखते थे सेलिब्रिटीज हैं, संजय दत्त है, शाहरुख खान है, मैं खुद की जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो क्या अपना भी ऐसा जिम होगा। हमारे पास 5 किलो से लेके 50 किलो तक सारे डंबल है। कुछ कुछ मशीनें बिल्कुल अभी अच्छे से चल रही है, कुछ कुछ में थोड़ा चेंजेस कराने होगी। इसमें मोस्टली हर चीज हो जाती है, अगर आपके पास स्विमिंग मशीन है, एक रॉड है, वेट्स और डंबल्स है, आप सब कुछ कर सकते हैं। स्मिथ मशीन इसलिए थी क्योंकि मैं अकेले करूंगा, मुझे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, तो अगर मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ ऐसे मुझे लगा कि हैवी है, अब नहीं होना, तो ये पे डाल दिया और नीचे से निकल गया। और यहाँ पे ये मैंने कस्टमाइज करवाया है, तो यहाँ से आप नॉर्मल डेडलिफ्ट ले सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे अपना मार सकते हैं, डेडलिफ्ट मार सकते हैं, रोइंग कर सकते हैं। सो दीज आर द इयर्स व्हेन आई वन 13-14 में मिस्टर डेरी गोल्ड था, 16-17 में नेशनल लेवल पे, तो दीज आर माय इयर्स व्हेन आई वन शोज। दिस इज द पुली मशीन, पुली सेटअप। अगर आप कुछ जिम्स में देखेंगे थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट होता है, बट यहाँ थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ है। दिस इज अ प्रीचर कर्ल, ये थोड़ा मेरे को चेंज कराना पड़ेगा। ये जो सेटअप कराया मैंने, ये सारा मतलब यहाँ पे लोकली बिल्ड सामान है, जैसे मुझे बीच में थोड़ा सा काम करवाना है और डंबल रैक में मुझे काम कराना। दिस इज लेग प्रेस, सिर्फ लेग्स के लिए है ऑब्वियसली, बट मैंने ये क्यों बनवाई क्योंकि लेग्स इज योर हाफ बॉडी। अगर आप लेग्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे तो आप आधी बॉडी अपनी ट्रेन नहीं कर रहे। प्रेस थिंग इज आई हैव बॉट ऑल आयरन प्लेट्स, इसमें कुछ रबड़ वाला सामान नहीं है, कुछ फैंसी सामान नहीं है, यहाँ पे हार्ड कोर ट्रेनिंग है। और बेस्ट चीज मुझे क्या लगती है, जब आप ऐसे करते हैं जो आयरन की अगेंस्ट आवाज आती है ना, इतनी मेरे को सेक्सी आवाज आती है। तो जो लोग बनाते हैं वो सोचते हैं कि भाई को क्वेश्चन अच्छा मिले, तो क्वेश्चन तो अच्छा मिलेगा इससे, बट जो फोर्स लूज करूंगा मैं, ये बहुत कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, लोगों का दिमाग क्या चलता है कि वेट गिरे तो इम्पैक्ट कम हो, बट हम लोगों का दिमाग क्या चलता है कि वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। देखिए कितना मोटा रबड़ इन्होंने लगाया भाई, फिर जब आप पैर रख के उठेंगे तो डिसबैलेंस होगा। 50 किलो के डंबल आपको शायद ही किसी जिम में मिलते होंगे। सो बस अभी ट्रेनिंग चालू करते हैं, पहला वर्कआउट करने जा रहा हूं शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। सो द आईडिया इज कि वहां जो क्वेश्चन है उस पर कुछ ऐसा बनवाना है। सो दिस इज एब्जॉर्बिंग शॉक आल्सो, दिस इज हार्ड आल्सो। जय श्री गणेश। सो गोइंग टू हैव माय फर्स्ट वर्कआउट हियर इन माय न्यू जिम, सो एक्साइटेड भाई। अपने जिम के खुद ही मालिक है, जो म्यूजिक हम चाहेंगे वो बजेगा यहाँ पे, वो म्यूजिक बजेगा भाई। सो शोल्डर वर्कआउट इज डन, अभी करेंगे ट्राइसेप में विल स्टार्ट विद पुली, वी बार हैंडल, फिर करेंगे स्कल क्रशर्स एंड देन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस।